Hello, what guys, welcome back again to my gaming channel Indian Gamers League and I'm your host and friend Pots Kingdom. Okay guys, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास वो एरर आ रहा है टू मेनी अटेम्प्ट्स वाला, फिर भी आप उस बेस को अपने कैसे खेल सकते हैं, तो इस वीडियो में वही मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने बेस डेमो बेस बना लिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं अगर आपके पास एरर है फिर भी। तो ये बेस आप देख रहे हैं ये गूगल प्ले स्टोर से साइन इन है, कनेक्ट है, लेकिन इसे मैं पहले वो वाला एरर ला के दिखाऊँगा आपको जो एरर आपके पास आ रखा है कि टू मैनी अटैम्प्ट ट्राई अगेन लेटर। तो वो एरर पहले मैं जनरेट करूँगा खुद इस आई डी को, उसमें फंसाऊँगा। तो ये देखिए, पहले मेरे पास ऑप्शन आए दो लॉग इन क्रिएट न्यू का, मैं क्रिएट न्यू करूँगा, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू करके मैं बार बार गलत डालूंगा इसमें सब कुछ ताकि मेरा भी अकाउंट जो है वो बैन हो जाए, ये वाला जो इस टाइम खुला हुआ है। तो ये कंडीशन आप लोग की हो जाएगी क्योंकि आपके पास भी सेम एरर आ रहा है कि टू मैनी अटैम्प्ट ट्राई अगेन लेटर। तो पहले मुझे वो अटैम्प्ट खुद की आईडी पे लाना पड़ेगा, ये डेमो आईडी इसीलिए मैंने बनाई है। तो ये देखिए, मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिए हैं और ये मेरे को वन टाइम पासवर्ड सेंड करेगा। तो वन टाइम पासवर्ड मेरे को जो आएगा वो मैं इसमें बार बार गलत डालता रहूँगा और तब तक गलत डालता रहूँगा जब तक मेरे में वो एरर ना आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, मेरे पास को आ चुका है 137124। तो ये अब मेरे को वहाँ पे वन टाइम पासवर्ड जाके डालना है गेम में, लेकिन मैं ये गेम में जो पासवर्ड डालूँगा ये गलत डालूँगा ताकि मेरे पास भी वो एरर बार बार आ जाए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को, इसलिए मेरी गेमिंग लोडिंग स्क्रीन दोबारा शुरू से शुरू हुई और मैं फिर से जाके सब कुछ करूँगा। तो मैंने अच्छा खासा टाइम लिया गेम के बाहर, तो ऐसा लोग कुछ लोग का कहना है कि ज़्यादा टाइम हो जा रहा था और प्रूफ नहीं डाल पा रहे थे, विंडो खुली रह जा रही थी तो मेरे में ये एरर आने लग गया है। तो वो एरर हो रहा है, काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ था। 24 घंटे वेट करिए, सब कुछ सही हो जाएगा। आप अगले टाइम 24 घंटे बाद दोबारा ट्राई करेंगे, सही हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे जो कोड डालूंगा मैं जानबूझ के गलत डालूंगा, जो मुझे भेजा है मैं वो बिल्कुल नहीं डालने वाला। मैंने 144 कर दिया लास्ट में और ये तब तक गलत डालता रहूँगा, सबमिट करता रहूँगा, रिटर्न इनकरेक्ट वेरिफिकेशन कोड, फिर सबमिट करूँगा सेम। तो ये मैं बार बार सबमिट करता रहूँगा जब तक कि मेरे पास वो एरर ना आ जाता है कि टू मैनी अटैम्प्ट ट्राई अगेन लेटर। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि मेरे पास भी वो एरर आ जाए। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी बार गलत सबमिट कर दिया है, बार बार मैं सबमिट गलत कर रहा हूँ। तो अब चल के देख लेते हैं क्या वाकई में मेरे पास वो एरर आ गया है या नहीं आया। तो वापस हम लोग पीछे चलते हैं, वापस से क्रिएट न्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, फिर से एक बार दोबारा से ईमेल आईडी डालता हूँ, देखता हूँ कि वो एरर आया है या नहीं आया है। और ये मैंने फिर से दोबारा ईमेल आईडी पासवर्ड दोनों डाल दिए और ये देखिए एरर आ चुका है, टू मैनी अटैम्प्ट प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो अब इसमें करना क्या है, मेरा अकाउंट क्या चला गया मेरे पास से, तो अब ये कब सही होगा। तो ये कुछ डाउट्स हैं जो सबके अंदर है कि कहीं मेरा अकाउंट लॉस तो नहीं हो गया है क्या, कहीं फिर से चेक कर लेते हैं, देखते हैं कहीं सेम एरर फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोबारा ट्राई कर लेते हैं, फिर से सेम ईमेल आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, लेकिन एरर सेम रहेगा। और ये कब सही होगा, आप ध्यान रखिए 24 घंटे बाद ये सही हो जाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है कुछ ऐसा कि आपका अकाउंट चला गया है और ये एरर क्या है। तो 24 घंटे बाद अगर मैं फिर से ट्राई करूँगा तो मेरा सही हो जाएगा, ये मुझे पता है, और आपको भी ये 24 घंटे बाद सही हो जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका अकाउंट ये देखिए अभी भी कनेक्टेड है गूगल प्ले। अब मैं क्या करता हूँ, अपने दूसरे अकाउंट पर डाल जाता हूँ जो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है सुपरसेल आईडी से। तो उस पर जाने के लिए मैंने क्या किया, अपना ये गूगल अकाउंट डिसकनेक्ट किया यहाँ से और वापस जा रहा हूँ मैं सुपरसेल आईडी पे, जो अकाउंट मेरे सुपरसेल आईडी में सेव हैं उनमें से जा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, अब ये मैं जो जिस अकाउंट पे जा रहा हूँ ये मेरा सुपरसेल आईडी पे सेव है। तो ये मैं जाता हूँ इस अकाउंट पे, तो अब ये मुझे वेरिफिकेशन कोड भेजेगा और मैं वो वेरीफाई करके वो जो बेस है वो खोल लूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ईमेल एड्रेस मेरे को डालना है जो मैंने सुपरसेल आईडी से साथ लॉगिन कर रखी है, जो बेस की आईडी, वो आईडी मैं यहाँ पे डालनी है मेरे को। और वो आईडी डालते ही मेरे को ये वन टाइम पासवर्ड भेजेंगे और वो वन टाइम पासवर्ड मेरे को मिल जाएगा और मैं इसमें डाल दूंगा, मेरे को वो अकाउंट खुल जाएगा। चलिए आपको सीधे ये सारा प्रोसेस बकवास ना दिखाते हुए सीधे आपको बेस पर ले जाते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये मेरा बेस खुल चुका है, ये जो बेस है वो मेरा सुपरसेल आईडी पे कनेक्टेड है, यानी कि अब कहने का मतलब है मेरा वो वाला बेस तो लॉस्ट हो जाना चाहिए। अगर आपकी मैं मानूं, अगर आप लोग डर रहे हैं कि आपका बेस
वो लॉस्ट हो जाएगा जो आपका कनेक्टेड नहीं है, जिसमें एरर दिखा रहा है कि टू मैनी अटैम्प्ट, तो मेरा अब वो अकाउंट लॉस्ट हो जाना चाहिए क्योंकि मैं उसको छोड़ आया हूँ, और वो अकाउंट मेरे को कैसे मिलेगा? तो ये डरने वाली बात कोई नहीं है, वो अकाउंट आपका अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर सेव है। वो अकाउंट आपका तब तक गूगल प्ले स्टोर पर सेव रहेगा जब तक आपका सुपरसेल आईडी पर नहीं आ जाता। तो अगर आपका सुपरसेल आईडी पर नहीं आ रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं, आपका वो गूगल प्ले स्टोर पर सेव है। तो अब ये मैं अपने अकाउंट पे आ गया हूँ जो सुपरसेल आईडी से कनेक्टेड है। अब मैं वापस जाता हूँ उस अकाउंट पे जो मेरा गूगल प्ले स्टोर से सेव है। तो ये देखिए, मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ इसको, और जब डिस्कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे लॉग आउट करना पड़ेगा, और मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ कन्फर्म। तो अब मैं यहाँ से ये ऑप्शन आ रहे हैं प्ले विदाउट सुपरसेल आईडी, तो अब मैं वापस जाऊँगा प्ले विदाउट सुपरसेल आईडी। तो जब वापस सुपरसेल आईडी पे जाऊंगा तो मेरा वापस वो वाला गेम खुल जाएगा। तो अब मेरा एक बेस सेव है सुपरसेल आईडी में और एक बेस सेव है मेरा गूगल प्ले स्टोर पे। तो दोनों बेस अपनी अपनी जगह सेव हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, और इसमें 24 घंटे का वेट इसमें आ रहा है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। इस बेस में 24 घंटे का मुझे वेट करना पड़ता क्योंकि उसमें लिखा था टू मैनी अटैम्प्ट्स सो ट्राई अगेन लेटर, बट फिर भी मैं इस बेस से खेल पा रहा हूँ गूगल प्ले स्टोर पे वापस आके। तो आप या तो गूगल प्ले स्टोर की तरफ आ जाइए या फिर सुपरसेल आईडी की तरफ, कहीं से भी खेल सकते हैं, कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। आपका ये बेस सुपरसेल आईडी पे सेव रहेंगे, कुछ बेस अगर आपने कर लिए हैं कनेक्ट वो सुपरसेल आईडी पे चले जाएंगे, और जो आपका सेव नहीं हो पाया उसमें ये एरर आ रहा है कि टू मैनी अटैम्प्ट्स ट्राई अगेन लेटर, तो वो आपका गूगल प्ले स्टोर पे गेम सेव है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सेटिंग्स में जाइए, गूगल प्ले स्टोर से कनेक्ट डिसकनेक्ट जैसे आप करते थे अपना, वहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लिए जिससे खेलना है, और आप सीधे उससे खेल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ चैनल को बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया तो प्लीज़ उसको दबा दिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें चैनल पर नए वीडियो आते ही। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ इसमें गेन हुआ हो, इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो कुछ भी। और आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड क्रैश ऑन गाइस। Wow.